नमस्कार दोस्तों, अजय अपडेट चैनल पर आपका स्वागत है। रूस वर्तमान में कई प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित कर रहा है। रूस ने सोमवार को जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैरोडविक्स पनडुब्बी से जिरकान मिसाइल को बैरेंट्स सागर में दागा गया, जहां पर इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को हिट किया। यह परीक्षण रात के समय किया गया था। नाटो ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर चिंता जताई है। जिरकान मिसाइल 9 मैक की गति से उड़ान भर सकती है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिरकान मिसाइल से रूस की सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इस मिसाइलों को रूसी युद्ध पोतों, जहाजों और पनडुब्बियों में तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल को 2022 में रूस की सेना में शामिल किया जा सकता है। रूस का यूक्रेन से लंबे समय से तनाव चल रहा है, इस वजह से भी रूस अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल यानी हवा में तैरने वाला, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल पर है। इस ग्लाइड व्हीकल के पीछे छोटी मिसाइल लगाई जा सकती है, जो कुछ दूरी पर मिसाइल अलग होकर लक्ष्य को हिट करती है। हाइपरसोनिक हथियार में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का प्रयोग करके इस मिसाइल को गति प्रदान करता है, जिसके कारण इस मिसाइल को ट्रैक कर पाना असंभव है। दुनिया में अभी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं पकड़ सकता। भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर रहा है। DRDO ने 2020 में ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया था। भारत के हाइपरसोनिक हथियार की स्पीड 5 मैक यानी 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे भविष्य में और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार निजी कंपनी के साथ मिलकर HGV-202 ऐप पर काम कर रही है। वर्तमान में अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, UK इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।